और ये सनसेट हो रहा है, काफी बढ़िया लोकेशन है। देखो गाइस, इट्स वेरी ऑसम। ब्रेड बैगी बर्गर, आए हाय हाय, खाने तो पहले मत, वेरी टेस्टी। तो हमारा खाना पक चुका है गाइस, काफी अच्छा। क्या है हमारा चिकन बनके तैयार, और यहाँ सबके लिए खाना निकाल लिए हम लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बॉय प्रीतम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप सो आप लोग जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती कर रहे होंगे। तो आज दिन का भी बज रहा है 3:30 बजे और मैं अपना ब्लॉग को शुरुआत कर रहा हूं अजमेर की घर से, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं नाइट कैंपिंग करने, वो भी आलूबारी घाट की। हो तो सारा चीज़ें देखो तैयारी हो चुके हैं। ये अजमेर का स्कूटी प्यारी बसंती, सारा लाइट वाइट बर्तन वर्तन सब ले लिए, और इसके अंदर में अपने चावल अवल मीट खरीदना बचा है, अभी चिकन खरीदना बचा है, बाकी सब ले लिए हम लोग, और या कंबल वगैरह ले लिए। और मेरे जो पैंथर है वो बाहर खड़ा है, पैंथर पे अपने 2 टेंट ले लिए हैं और कुछ मैट्रेसेस ले लिए। तो बाकी संतोष रहेगा, मैं रहूँगा, अजमेर रहेगा, और अजमेर का फ्रेंड जो एक यूट्यूबर है, आपको थोड़ा पहले ब्लॉग में दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, तो वो रहेगा, हम चारों मिलकर एंजॉय करेंगे। सो बने रहिए ब्लॉग में, आगे आपको दिखाते हैं सब कुछ। सो बॉयज फुल सेट, पूरा तैयारी हो चुकी है। इधर आप देख सकते हैं संतोष भाई मेरे पीछे बैठे हुए पर सामान लेते हुए, इधर अपना अजमेर भाई काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं, और इधर देखिए सारा चीज़ें रेडी। और हमारा नाम क्या था? गजब बेइज्जती है। मेरा नाम महबूब आलम। महबूब आलम, कयामत होगी। तो गाइस अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जल्दी से स्पॉट पे पहुंचते हैं, बहुत ही एक्सोटिक प्लेस है, चलिए चलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम चिस्टी बेकरी से कुछ ब्रेड वेड ले रहे हैं, और इधर देखिए क्या जुगाड़ किया है इन्होंने, जुगाड़ देखिए, हिम्मत नहीं हो रहा, नामने का हिम्मत नहीं हो रहा बोल रहे। और उधर अपना संतोष भाई कुछ कुछ ले रहे हैं, ब्रेड ही उन्होंने बोले ना, ओनली ब्रेड ना, ब्रेड और मैगी का सब। चलो हो गया फुल पावर गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग गुनानगर से निकल के हाईवे में आ गए। ओहो खत्म वाला ऑफ रोडिंग है यार, कुछ भी हो सकता है गाइस, बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग है। जगह से ऑफ रोडिंग है पूरा, हाँ ना, जंगलों के बीच बहुत ज्यादा खूबसूरत जंगल ही है यार, अच्छा लग रहा देखिए। प्रीतम जी मशक्कत करते हुए गाइस, मैं तो बस आराम से बैठा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मस्त है, मस्त। कहाँ पे? सो गाइस हम लोग वहाँ ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ब्रिज से हम लोग उतर के यहाँ पे आए थे, पर यहाँ पे ना पानी बहुत स्टील है एक्चुअली ना, तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए संतोष भाई भी बोला और अजमेर में बोला हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे जहाँ में पानी बह रहा है ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये भी माहौल काफ़ी अच्छा था, अगर पानी बहता तो और अच्छा वाइब्स आता ना, बहुत ब्यूटीफुल। तो रुक रहा है मेरे लिए, चलो लेट्स गो। ऑफ रोडिंग का, और भाई लोग देखिए किस तरह से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, और दो आदमी उतर गए हैं नीचे, क्योंकि अभी रोड देखिए ये नहीं हो लगते। प्रीतम जी एक काम करो, आप बेक ले लो उधर से, गजब बेइज्जती है ना। सो फाइनली गाइस दूसरा, इसको पकड़ना होगा अगर ये गिर गया तो। चलिए 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 चलिए, छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं। 15 minutes later. So guys, finally हम location पहुंच गए, एक बार check out करो location को, check करो guys, क्या बढ़िया location है ये देखो, यहाँ check करो। और यहाँ पे आंटी जी साग उठा रहे हैं, और ये sunset हो रहा है, sunset के समय पे हम लोग यहाँ पे आए, काफ़ी बढ़िया location है देखो guys, it's very awesome। And यहाँ पे अपन tent लगा रहे हैं, और यहाँ पे अपना भाई लोग सब पेटिस खा रहे हैं, ये देखो खुशी देखो लौंडे की। और उधर देखो हमारे अजमेर भाई ब्लॉग कर रहे हैं, और यहाँ संतोष भाई, तो अभी हम भी खा लेते हैं। और ये अपना पैंथर यहाँ पे रखा, और अपना बसंती यहाँ पे, फटाफट अपना टेंट लगा लेते हैं, उसके बाद अपना कैंपिंग का पूरा
तैयारी शुरू हो जाएगी क्योंकि चिकन विकन भी हमें बनाना है। सर लोकेशन देखो गाइस, एक नंबर लोकेशन है। हमें यही चीज़ चाहिए था कि फ्लोइंग वाटर चाहिए था हम लोग को, वहाँ पे पानी रुका हुआ था एक जगह में, वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देख के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस जम के भूख लगा है, फिलहाल ये पेटिस खा लेते हैं। ये अपना संतोष भैया ने लाया था पेटिस एंड कोका कोला, तो खा लेते हैं। काफ़ी भैया, तो गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारा टेंट लग गया। ये मेरा टेंट है और ये बंजारा जी का टेंट है, बंजारा यात्री का। काफ़ी सुंदर से लिखा गया है देखो यहाँ पे, फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी यूट्यूब का, और यहाँ पे मैप है देखो, तो उनका बस एक कवर लगाना है। और अपना ये टेंट जिसमें हम और संतोष सोएंगे, और इसमें अजमेन एंड बंजारा यात्री हमारा महबूब भाई तो ब्लॉग कर रहे हैं, महबूब भाई और हमारा संतोष देखो मेहनत करके लकड़ी ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं और लकड़ी जमा करें, क्योंकि रात को हम लोग को लकड़ी बहुत ज़रूरी होगा। लास्ट टाइम में अजमेर याद है ना, हम लोग लकड़ी कैसे लाए थे, काफ़ी मांग मांग के मेहनत करके हम लोग कहाँ कहाँ से लकड़ी जुगाड़ किए थे लास्ट टाइम। और ये काफ़ी मेहनत करते हुए हमारा संतोष जी, बहुत बढ़िया। इसको देखिए जितन की याद आ रहा है, हमें काफ़ी एंजॉय करते हैं हर मोमेंट। और यहाँ अजमेर जी हम क्या डांस करेगा, हमें लकड़ी बहुत चाहिए तो अभी लकड़ी लेने चलते हैं। यहाँ पे देखिए जंगल के अंदर में क्या है, क्या मिला, क्या चीज है, हड्डी है ना, अरे भाई ये तो हरिन गाय का है क्या, आग जला के रहना पड़ेगा समझा, रिस्क है भाई। ऊपर काटा है, धीरे धीरे करिए, हाँ लगेगा क्योंकि हम लोग को लकड़ी बहुत चाहिए। वाह भाई साहब, वाह इतना सुंदर लग रहा है सनसेट का। तो गाइस हम लोग कुछ पानी बोटल्स, ब्रेड और मैगी वैगी भी लेके आए हैं, मसाला सब कुछ है। ये चिकन बनाएंगे हम लोग, तो अभी कुछ फोटोज वोटो ले लेते हैं, कुछ रील्स बना लेते हैं। इधर देखो गाइस, ये देखो ये नहाने चला भी गए और डांस कर रहे हैं जाके। एनर्जी ला रहा, एनर्जी एनर्जी शक्ति ला रहा, शक्ति इसको हुआ रे अल्लाह मियां। तो यहाँ में अजमेर और हम लोग मिलके फिर से गड्ढा कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल गड्ढा, क्योंकि हाँ क्योंकि लकड़ी लगाने से ना तो हीट जो रहेगा अगर थोड़ा गड्ढा कर लिया, क्योंकि घास भी है ना। सुनो गाइस, यहाँ पे एकदम चूल्हा तैयार ऑर्गेनिक स्टाइल में, और ये बंदा काफी मेहनत से लकड़ी काट रहा है, देखिए काटो काटो जोर लगा के। अरे यार संतोष ने आग लगा दिया, क्या बोला तूने, आग जला दी, आग लगा आग जला दिया, मतलब लगी है बस्ती में बाबत रहता मस्ती में। भाई साहब इतना मेहनत से हम लोग आग जलाए थे तो आग बुझ गया, तो इसलिए कैंपिंग में हमेशा याद रखे कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रखे साथ में, या तो सूखा लकड़ी ना। काफी मेहनत के बाद आग जल गई यहाँ पे, देखिए काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैगी और यहाँ पे चिकन 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 चिकन, हम लोग स्प्राइट से मैगी बनाएंगे। देखिए वो ऐसे हावरे मार रहे, एक्चुअली ये पानी है एकदम ऑर्गेनिक वाला पानी, देख सकते हैं। अब हम लोग मैगी बॉयल बनाएंगे, पहाड़ों में मैगी खाते हैं, आज नदी के पार में मैगी खाएंगे हम लोग। तो भाई साहब यहाँ अंडा बॉयल हो रहा है, चार अंडा चार लोगों का, और यहाँ मैगी बन के तैयार, हम सब लोग मिलके ब्रदरहुड ब्रदरहुड ना ब्रदरहुड सब मिलके यहाँ पे खाएंगे अभी। ओए ब्रेड निकल, ब्रेड अरे आलम बहुत मस्त बना है, बहुत ज्यादा टेस्टी अच्छा बना है ना। और यहाँ देखिए अजमेर का करतूत, ये यहाँ से बर्गर बना रहा है, देखो इसे बोलते हैं ब्रेड बैगी बर्गर। आए हाय हाय कैसा लग रहा है, जल्दी कैसा लग रहा है, खाने तो पहले तो गाइस फाइनली हमारा अंडा बॉयल हो गया, हमारा अंडा बॉयल हो गया। तो अभी हम ये बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, देखो देखो ये क्या स्टाइल से आग जला रहा है, देखो ये भी ट्रेडिशनल स्टाइल है इनका, इनका ट्रेडिशनल स्टाइल। और यहाँ अंडा बॉयल एकदम तैयार है। सो गाइस जुगाड़, यहाँ से हमने फॉग लाइट जला लिए और इधर है
आग जल रहे, हमारा अंडा तैयार, अभी हम लोग कुछ रील्स बनाएंगे फिर अंडा खाएंगे, क्या बोलते हो पब्लिक? यस, पब्लिक बोलता है पहले खा लिया जाए, ट्रेडिशनल स्टाइल में, पेट पूजा उसके बाद ट्रेडिशनल स्टाइल में, ट्रेडिशनल स्टाइल में सिग्नेचर गाइस, इनके सिग्नेचर लाइन है ट्रेडिशनल स्टाइल में। बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है आज, ये लकड़ी जलता नहीं है और जैसे तैसे अपन चावल पकाड़े और चिकन तो बचा हुआ है हम लोग का, उधर चिकन अभी इनके टांगों के बीच से देख सकते हैं हम चिकन है। और गाइस भोजपुरी गाना के साथ स्प्राइट पी रहे हैं हम लोग और यहाँ खाना पकड़ा है हमारा, यहाँ संतोष राइडर बस करो यो तो हमारा खाना पक चुका है गाइस, काफी अच्छा लग रहा है देख के, अरे ठीक था यार, पूरा बढ़िया पक चुका है, अब बारी है अपना चिकन का, यहाँ अपना चिकन, अरे चिकन पकाएंगे हम लोग, और ये प्याज डाल चुका है, इधर है नमक, ये हल्दी डाला जा रहा है इसमें, बाकी मसाला यहाँ पे है, काफी अच्छा होने वाला लग। तो गाइस यहाँ है हमारा चिकन बन के तैयार और यहाँ सबके लिए खाना निकाल लिए हम लोग, एक काम कर रहे और यहाँ अजमन जी सर दर्द से बैठे हुए हैं और यहाँ बंजारा जी अपना संतोष भाई। तो अब बारी है खाना खाने की, तो यहाँ पे संतोष जी और यहाँ पे बंजारा जी, यहाँ अजमन जी, सब मिलकर भी फटाफट खाते हैं और इन दोनों ने काफी मेहनत किया, हमने भी किया, तो अभी खाते हैं, चलिए। सुनो ना, हाँ वो कल कर देगा तो हो जाएगा, बोल अभी मोबाइल देखने का नहीं हो रहा है भैया भाई। फाइनली डिनर खत्म हो गया हम लोग का, अभी फिलहाल हम टेंट में आ गए, आप टेंट को देख सकते हो, ये टेंट को बहुत बार देख चुके होंगे आप मेरे ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं नर्म के राइड में या कोई भी जगह में जाता हूँ तो ये टेंट लेके जाता हूँ, काफ़ी छोटा है, कम्पैक्ट है, अच्छा है लेकिन। और आज हमारा बस एक कंबल है जो कि अजमेर के द्वारा मिला है हमें, क्योंकि हम कंबल वंबल लेके कुछ आए नहीं है, जस्ट टेंट उठा के आ गए थे, तो थोड़ा गर्मी के लिए हम जैसे कपड़ा पहने थे हम खोले नहीं, उसी को पहन के सॉरी भी जींस पहन लिए वापस, तो फुल पावर अपना डिनर हो गया, फटाफट सो जाते हैं, एक्चुअली एडिटिंग करते हैं पहले, उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी जल्दी उठना है हम लोग का और एक नया जगह एक्सप्लोर करने जाना है। सो टिल देन सुबह मिलते हैं आप लोग को, तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं। गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस गुड मॉर्निंग, रात को नींद तो काफी अच्छा हुआ, एक्चुअली कंबल था हमारे पास पर यहाँ से तो ठंडा लग रहा था हम लोग को, और यहाँ संतोष जी बाहर निकल रहे और बाहर का नजारा देखो गाइस, सनराइज भाई साहब कितना मजा आ रहा है, देखिए यहाँ अपना बसंती और यहाँ अपना अजमेर की बसंती, अपना पैंथर। सो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसा नींद रहा आप दोनों के? बढ़िया, आप लोग का जैसा नहीं, आप लोग का तो रात भर पूरा सो रहा था, पता नहीं क्या हो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लौंडा क्या कर रहा। कुछ ऐसे जगह में हम लोग कल टेंट सेट किए थे, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ टेंट दोनों, यहाँ पे बसंती वहाँ पैंथर, और यहाँ अपने कल रात को कैंपिंग किए थे, देखो खाना उन्होंने यही पकाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है हम लोग, सभी फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद टेंट वेंट लेके निकलते हैं यहाँ से। इस रात का कुछ चावल बच चुका था तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गौ माता को खिला देंगे क्योंकि यहीं पर देखो खुटी है, तो गाय को खिला देगा। नहीं खा रहा है क्या? नहीं। डर रहा है? इसको यही में, यही में रख दो ना, मछली को खिला देगा, मछली को खिला देगा। चलो, तो वहाँ आप देख सकते हैं गाय का खुटी है, यहाँ पे बहुत सारा गाय, एंड यहाँ पे कुछ रात का बर्तन भी है, उसे भी धुलना पड़ेगा अभी। हाथ तो पूरा काला लग गया रे तेरा, तो ये लकड़ी उकड़ी को भी हम लोग साइड करके जाएंगे, ये प्याज भी रहेगी ना, बिकॉज एनवायरनमेंट को क्लीन रखना हमारा जिम्मेदारी है। प्रिया संतोष बढ़िया तरीके से बर्तन धोते हुए। तो यहाँ अजमन भाई हांडी को साफ कर रहे हैं, अंदर में हम लोग खाना जल गया था एक्चुअली, टेम्परेली साफ कर रहे हैं, और इधर अपना संतोष भाई ने बाकी चीज़ों को धो दिया, मैं इधर टेंट का काम कर रहा हूँ, इधर सब सामान को निकालता हूँ, फिर टेंट को हमको डिसमेंटल करना है फटाफट से, तो कर लेते हैं फटाफट गाइस।
Guys, finally all set. सब कुछ पैक हो गया यहाँ पे. यहाँ पे भी सब कुछ पैक हो गया. हजबैंड जी ने काफी अच्छे से चड्डी गुजारे अंदर. और इधर हमारा बंजारा जी और इधर अपना संतोष भाई. सारा चीज पैक हो गया. अभी हमको यहाँ से फुल पावर निकलना है घर की ओर. फिर हम तेजू भी निकलेंगे. तो इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं. आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं फिर से एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन की सुने और अपने दिल के दिल से. बहुत प्रीतम साइनिंग आउट. जय हिंद, जय भारत.